दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। एंड आपको यहां पर दिख रहा होगा मोटो G51। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा एंड पूरे में यहां पर स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ इसकी एंड बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में और दोस्तों कैसा ये फ़ोन रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों लिखा गया कि इंडियाज़ फर्स्ट स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल 12 जो ग्लोबल 5G बैंड्स है दिए गए हैं आपको। तो दोस्तों 5G में जो नेटवर्क कनेक्शन होगा काफ़ी सही रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कुछ और इसके फीचर की, तो भाई इसमें आपको सबसे बढ़िया जो देखने को मिलेगा वो है 120Hz की यहाँ पर डिस्प्ले आपको दी गई है इसमें। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये फ़ोन मोटोरोला G60 से थोड़ा कम प्राइस में रहने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि इसका जो नाम है वो भी आप देख सकते हैं मोटो G51। तो मतलब G60 सीरीज से ये काफ़ी नीचे रहने वाला है प्राइस में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ ही आएगा। एंड दोस्तों इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 485G वाला। इसका जो आंतुतु स्कोर है वो यहाँ पर 265,000 के आसपास है। तो भाई जो मोटो में G32G प्रोसेसर है यहाँ पर उससे थोड़ा सा दोस्तों कम है ये, उसका मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास है। तो दोस्तों यही सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। एंड इसमें दोस्तों कैमरे में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो आजकल ट्रेंडिंग में है। एंड दोस्तों इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है डेप्थ के लिए और दोस्तों अल्ट्रा वाइड के लिए। एंड 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने बताया कि भाई जो ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा ये डेप्थ की और भी आपको काम करके देगा। तो भाई काफ़ी सही रहने वाला है, एक्चुअल यहाँ पर डेप्थ आपको देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की भाई काफ़ी तगड़ी बैटरी दी गई है। एंड इसमें आपको 20W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों मेरे ख्याल से लगभग यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट तो भाई ये बैटरी फिर भी चार्जिंग में लेगी, क्योंकि भाई 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में टाइम लग जाएगा 20W के चार्जर के साथ। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि IP52 वाटर रिप्लेंट डिज़ाइन दिया गया है, मतलब दोस्तों थोड़े बहुत स्प्लैश से ही आपको बचा देगा ये आपके फ़ोन को। एंड दोस्तों अगर कलर की बात करें तो 2 कलर है, एक ब्लू है, एक यहाँ पर सिल्वर जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा सिल्वर दोस्तों है नहीं है वैसे। तो इस फ़ोन में दोस्तों फ़िलहाल तो यही है। एंड इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो लगभग 15,000 मुझे लग रही है। दोस्तों इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों तब के लिए बाय बाय।